ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि आ रही है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? हर बार की तरह मैं जय मदान आपसे बात करूंगी शिव जी और उनके परिवार की। शिवरात्रि पर हम सब पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पर इससे जीवन में क्या बदला? कुछ बदला क्या? बदलेगा तब जब आप समझेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है, आखिर शिव परिवार का पर्पस क्या है, क्या सिर्फ हमें इन्हें भगवान जैसे पूजना है या समझकर कुछ क्वालिटीज अपने अंदर लानी है ताकि हमारे अंदर जो भगवान है हम उसको भी जगा सके। What is this all about? आखिर हैं क्या शिव जी और क्या है शिव परिवार, क्यों हम इनकी पूजा करते हैं? सबसे पहले समझिए, शिव जी कहाँ बैठते हैं? शिव जी बैठते हैं कैलाश पर, वो पर्वत जहाँ पे बर्फ होती है, जहाँ पर चूंकि बिल्कुल सबसे ऊंचा और सबसे स्ट्रॉन्ग पर्वत है। पर्वत यानी कि आपका विश्वास। तो हेड ऑफ द फैमिली को कहाँ बैठना चाहिए? विश्वास के ऊपर, अपने परिवार पर विश्वास और साथ साथ अपने हर एक्शन पर विश्वास। अब हेड ऑफ द फैमिली होना कैसे चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हेड ऑफ द फैमिली में? हेड ऑफ द फैमिली ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो बिल्कुल नॉन लग्जूरियस है, बेयर नेसेसिटी, नो मैटर आपके पास कितना पैसा हो, बट हेड ऑफ द फैमिली शुड बी डिटैच्ड। उनको बहुत ज़्यादा लग्जरीज में अगर डिप्ड होंगे तो अपने ऊपर किसी और की सोच नहीं पाएंगे। हेड ऑफ द फैमिली के माथे से गंगा निकल रही है, यानी कि माइंड कितना काम है, आइडियाज कितने फ्री फ्लोइंग है, वाटर फ्रॉम द हेड, दिमाग की शांति, आइडियाज का फ्लो। तीसरी आंख यानी कि विजनरी, जब वो कोई काम करते हैं तो आगे 10 कदम आगे सोच कर करते हैं, इज अ विजनरी। साथ में हाथ में त्रिशूल, अपने तीनों गुणों पर कंट्रोल, सतफ, तमस और रजस, यानी कि अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। हाथ में रुद्राक्ष की माला यानी कि मेमोरी, जाप करना, इनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग है। तो हेड ऑफ द फैमिलीज में इतनी सारी क्वालिटीज हैं। हाथ में डमरू है, डमरू यानी कि किसी को जगाना, अवेकन, अ वे ऑफ अलार्म, आपको बताना कि आप गलत कर रहे हैं, ही टेल्स पीपल व्हेन दे आर नॉट गोइंग ऑन रॉन्ग और नॉट गोइंग ऑन राइट पाथ। हेड ऑफ द फैमिली में इतनी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। गले में नीलकंठ यानी कि गले में विष, आपकी जुबान में ही शहद है और आपकी जुबान में ही जहर है, आप चाहें तो इससे किसी को मार दें और चाहें तो आप इसी से किसी के जीवन में रस खो दें। हेड ऑफ द फैमिली अगर अपनी जुबान पर कंट्रोल करे तो अपनी मिठास से सबको अपने कंट्रोल में रख सकता है। ऐसा होना चाहिए हेड ऑफ द फैमिली। क्या आपके फैमिली के हेड में ये क्वालिटीज हैं? क्या आप में ये क्वालिटीज हैं? जब आप विश्वास के ऊपर बैठे होते हैं, जब आप स्ट्रांग होते हैं, आपका विश्वास इतना स्ट्रांग होता है, तो जो आपका कंपेनियन होता है, जो आपकी पत्नी होती है, जो आपका जीवन साथी होता है, वो माँ पार्वती जैसा होता है, यानी कि श्रद्धा से भरा हुआ, फुल ऑफ डिवोशन। जितनी बार जन्म लिया शिव जी के लिए जन्म लिया, इन्हें पाने के लिए जन्म लिया। तो अगर घर की फीमेल में डिवोशन है, श्रद्धा है सबको सर्व करने की, सबको प्रेम करने की, तो वो फैमिली वैसे ही स्वर्ग हो जाती है। तो विश्वास श्रद्धा से मिले और दो ऑफस्प्रिंग्स हुए, कैसी संतानें होती हैं आपकी? इस फैमिली में एक संतान हुई कार्तिकेय जैसी, कार्तिकेय जो कि है गॉड ऑफ वॉर्स, यानी कि ये इनके अंदर फिजिकल ताकत इतनी है, ये किसी भी खतरे को अपनी ताकत से, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से खत्म कर सकते हैं। और एक संतान है गणेश जी, यानी कि बुद्धि के देवता, ये शरीर का इस्तेमाल करें ना करें बुद्धि से विघ्नों को खत्म कर देते हैं, तभी विघ्न हर्ता कहलाते हैं। तो आपके परिवार में, आपके बच्चों में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। एक बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होगा, एक मेंटली स्ट्रांग होगा, आपके परिवार में घर की फीमेल के अंदर डिवोशन होगी, फैमिली का जो हेड है वो अपने से ज़्यादा दूसरों की सोचेगा, इस तरह से होगा कि अपनी जुबान पर कंट्रोल होगा, अपने एक्शन पर कंट्रोल होगा, तो ये फैमिली स्वर्ग जैसे बन जाती है। इस फैमिली में एक और व्हीकल है, शिव जी का व्हीकल नंदी, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली। नंदी यानी कि ऐसा व्हीकल, मतलब ऐसे आपकी जिंदगी के उसूल होने चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो और कमिटमेंट हो। बैल जो है वो सबसे हार्ड वर्किंग एनिमल है, तभी कोल्हू का बैल बोला जाता है, बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग है। तो अगर आपके परिवार की ये व्हीकल्स है, यानी कि ये सबकी जिंदगी को जीने का तरीका है, जहाँ पे हार्ड वर्किंग हो, डिवोशन हो, और नंदी जो है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ देखते हैं और ईश्वर की तरफ डिवोशन हो, अगर आपके फैमिली के ये प्रिंसिपल्स हैं, तो आपका परिवार भी स्वर्ग जैसा होगा, पूजनीय होगा, लोग उसको पसंद करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। शिवरात्रि पर हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम शिव परिवार की पूजा करते हैं,
पर जब तक ये क्वालिटीज जो सिंगल सीन के अंदर छुपे हुए हैं, जब तक वो क्वालिटीज हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, अपने फैमिली के अंदर नहीं लाएंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, तब तक हमारी लाइफ में चेंज आएगा नहीं। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी नॉलेजेबल एंड एनलाइटेंड शिवरात्रि।